Accountancy class 12 chapter name is admission of new partner. This is a part of the partnership account. The last chapter I have discussed about how to calculate interest on capital, interest on drawing, and current account, capital account, how to make capital account, current account. In the all this point I have already discussed. In this video we will discuss about admission of new partner in partnership account. In partnership firm, the number of the partner has been specified as minimum 2 and maximum 100. For expansion and development of partnership firm, additional capital, technological knowledge, managerial ability, efficiency is required. In this regard, the new partner is admitted in the business with free consent of the other partner. While admitting a new partner, he is paid a share in the total profit of the firm. To meet out the share of the new partner, all the old partner, a few of them personally sacrifice a part of their profit in favor of the new partner. The new partner along with the capital bring the amount of goodwill for his share of profit. In case if the amount of goodwill is not brought in cash, the goodwill account is open in the book of account. The new partner is entitled to have a share in the profit and loss and in the asset and liability of the firm from the date of joining the firm. The profit and loss prior to date of joining the partnership business and the profit and loss on revaluation of accounts and liabilities, assets and liabilities is shared by the old partner in the old profit sharing ratio. इस चैप्टर में क्या है कि जब पार्टनरशिप अकाउंट में जब न्यू पार्टनर्स जो है इंटर करें, और हम लोग ये जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है फर्म में जो होता है मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 100 होना चाहिए. अब कुछ हमको अपना पार्टनरशिप फर्म को एक्सपेंशन करना है या उसके डेवलपमेंट के लिए या कुछ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के लिए, मैनेजरियल एबिलिटीज मैनेजमेंट से लेकर के कुछ एबिलिटी एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सारे चीज़ों का एक्सपेंशन और इन सारे चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए कभी कभी न्यू पार्टनर को भी एडमिटेड किया जाता है. तो न्यू पार्टनर को एडमिशन लेने के लिए मतलब न्यू पार्टनर जो है एक पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो है इंटर कर रहे हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर वो पार्टनर नहीं थे, वो मिड में जो है वो पार्टनर्स इंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में. तो उस केस में जो है क्या होता है कि ओल्ड जो पार्टनर होते हैं उसमें से कुछ ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में. इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर जब इंटर करता है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं. कैसे मतलब किस तरह से ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. जैसे कि 3 पार्टनर पहले से थे, अब उस टाइम पर जो था पार्टनरशिप फर्म क्या हो रहा था, प्रॉफिट पर चल रहा था. अब कोई एक पार्टनर ज्वाइन हुआ, तो जब वो ज्वाइन हुआ, जब फाइनेंशियल ईयर मेंटेन किया जाएगा, जब एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, तो ये जो है ये पार्टनर जो है स्टार्टिंग से तो था नहीं, और वो जब इंटर करे जब प्रॉफिट चल रहा था, तो अब इसको ये भी लायबल हो जाएगा अपने प्रॉफिट इस प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए. इससे क्या होगा कि जो 3 पार्टनर को मिलना होता है 5,000 रुपये, अब उनको मिलेगा 4,000 रुपये. तो इससे क्या होगा, न्यू पार्टनर के इंटर होने से जो है ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं. तो इसका भी एक रीज़न है कि फिर न्यू पार्टनर जो होता है वो गुडविल लेकर के आता है, या कैश के फॉर्म में लेकर के आया है, गुडविल के फॉर्म में लेकर के आता है. तो इसका अभी हम लोग धीमे धीमे पढ़ेंगे इसके बारे में. अकाउंटिंग प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ
और न्यू पार्टनर। जब कोई भी पार्टनर एडमिटेड होते हैं मिड ईयर में तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड नेसेसरली। फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब न्यू पार्टनर इंटर करेगा तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिटरमाइन करना होता है, क्योंकि जो हमारे पुराने पार्टनर्स होते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है वो फिक्स होती है कि हाँ किसने कितना इन्वेस्ट किया है, एग्रीमेंट में पूरा मेंशन होता है। अब न्यू पार्टनर आ गया तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी उस टाइम में बनना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके लिए बनता है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके लिए। तो इन सारे चीज़ को डिटरमाइन करना। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। जब न्यू पार्टनर एडमिटेड होते हैं तो फर्म की अकाउंटिंग और उसकी वैल्यूएशन गुडविल की वैल्यूएशन किया जाता है कि जब न्यू पार्टनर इंटर हुआ है तो उस टाइम पर उसकी गुडविल क्या थी। तो ये चीज़ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म। फर्म की एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना कि कितना जो है जब न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है तो उस टाइम पे इस एसेट की क्या वैल्यू थी, क्योंकि जब प्रॉफिट और लॉस रेशियो बनेगा, प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो जब बनता है तो उस टाइम के हिसाब से जब वो एडमिट होगा उसी के हिसाब से बनाया जाएगा, वरना जो है एकदम वो स्टार्टिंग के रेशियो से होगा जिससे कि हो सकता हो लॉसेस हो। ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, इन सारे चीज़ों को भी ये जो है पूरा रिवैल्यूएशन किया जाएगा। राइटिंग ऑफ द फिक्टिशियस एसेट ऑफ द फर्म। फिर जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं फर्म की उसको भी राइटिंग ऑफ किया जाता है जब न्यू पार्टनर एडमिटेड होते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेशन करना। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। कैसे कैपिटल का एडजस्टमेंट करना कि पार्टनर जब इंटर करता है तो वो कुछ कैपिटल ले करके आता है, तो जब कैपिटल नया कैपिटल मतलब कि बीच में फिर से कैपिटल इन्वेस्ट हुआ तो कैपिटल जो है फर्म का वो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है कि उसको मेंटेन करना, उसको वो करना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ज्वाइनिंग। नए पार्टनर्स की कैपिटल का कैलकुलेशन करना किस बेसिस पर, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ज्वाइनिंग है उसके ऊपर। एडजस्टमेंट ऑफ द ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हमारे न्यू पार्टनर एडमिटेड होंगे, जो फर्म की और जो उसके पार्टनर्स की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसमें भी क्या होता है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स होती है जब नए पार्टनर इंटर करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों, क्योंकि जो पुराना रेशियो था उसके बेसिस पर अब इन लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस को नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि कैपिटल चेंज हो गया, नया पार्टनर आया, नया कैपिटल आया, फिर उसके बाद तो सब चीज़ का रिवैल्यूएशन हुआ, तो उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी डिफरेंट हो जाता है। तब इसके बारे में पढ़ना है। इन द पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ही इज पेड अ सर्टेन शेयर्स आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। टोटल जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से जो है न्यू पार्टनर्स को पेड करना है। देयर ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो हमारे ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज चेंज ड्यू टू द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हमारे ओल्ड पार्टनर का वो चेंज हो जाएगा, पहले उनको ज़्यादा मिलना था अब कम मिल रहा है, या हो सकता पहले कम मिल रहा था जब न्यू पार्टनर हो गए तो और ज़्यादा मिलने लगा। तो नए पार्टनर के इंटर होने से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर कैन बी ब्रॉट बाई द ओल्ड पार्टनर एंड बाई एनी वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर बाई सेक्रीफाइजिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द हिज प्रॉफिट। हो सकता हो कि नए पार्टनर के इंटर होने से सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो या कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो,
तो ये चीज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज टू बी डन कंपलसरी। ये एकदम कंपलसरी है कि ये सारी चीज़ होगी। जब न्यू पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग को निकालना होता है तो सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में ज़रूर दिया होता है, तो वो उसमें से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम माइनस कर देंगे तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। अब ये होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो करेंगे माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन दोनों को माइनस करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो क्या है न्यू मीनिंग ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या हुआ द रेशियो कैलकुलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूचर प्रॉफिट। जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा पार्टनर्स का, सारे पार्टनर्स का, उसमें ओल्ड भी इंक्लूड है और न्यू भी इंक्लूड है, तो उसको कहा जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है कि वो रेशियो होता है जिस पर हमें फ्यूचर में, मतलब नए पार्टनर के एडमिशन होने के बाद, फ्यूचर में एक साल कंप्लीट होने के बाद, अब हमको जो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो अपने पार्टनर्स के बीच में देना है वो के उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस द पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अब जैसे ही नए पार्टनर आ गया तो पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, नए पार्टनर की वजह से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दिस हेल्प इन द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ लॉस ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज रिड्यूस। तो यही चीज़ जो है वहाँ से हेल्पफुल होती है फॉर न्यू पार्टनर के फॉर्मेशन करने के में, उसके प्रॉफिट में, और जो है शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर आर रिड्यूस। नए पार्टनर का इंक्रीज हो गया मगर पुराने पार्टनर का रिड्यूस हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो दिया होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी दिया होता है कि ओल्ड पार्टनर लोग इतना सेक्रीफाइस करें हैं तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया, पूछा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो वहाँ पर हम जो है ओल्ड, पहले हमेशा याद रखिए कि दोनों में ओल्ड है, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब माइनस करेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, और माइनस प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब माइनस करेंगे तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, मीनिंग क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ अ रेशियो यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस अमंग ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को। न्यू प्रॉफिट का मतलब सारे पार्टनर, ओल्ड और न्यू सबको बांटना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाई द ओल्ड पार्टनर इन द फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्कोप क्या है इसका, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोथ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर आर इंक्लूडेड, दोनों लोग इंक्लूड होते हैं, और सैक्रिफाइसिंग में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूड होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूचर प्रॉफिट अमंग ऑल द, फ्यूचर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर क्या, शेयर ऑफ द गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर के एंट्री, वो क्या कर रहा है, अपने गुडविल के हिसाब से वो कुछ कैश लेकर के आ रहा है, तो उस कैश को क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे ओल्ड पार्टनर को बाय द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की वजह से, मतलब जब कभी कोई भी न्यू पार्टनर एंट्री करता है तो वो शेयर ऑफ गुडविल, जो गुडविल का जो शेयर होता है वो या तो कैपिटल मतलब कि कैश के फॉर्म पे लेकर के आ रहा है, तो वो कैश जो होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब फिर वही चीज़, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है तो ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, हम लोग चार केसेस हैं, उसी केसेस पर पूरा इसका कैलकुलेशन होगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। जब नए पार्टनर एंट्री करते हैं तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि यू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सबकी कंडीशन अलग अलग दी जाती है। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया जाएगा उसका उस हिसाब से कैलकुलेशन करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया जाएगा।
आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. और जो फर्स्ट वाला चैप्टर था एकदम फंडामेंटल प्रॉफिट एंड फंडामेंटल पार्टनरशिप फॉर्म का, उसका हमने हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन करा दिया है. उससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करें. थैंक यू.